देखा होगा कि बांग्लादेश में किस प्रकार की हालत बने हुई है। वहां दलित बालिका के साथ एक दरिंदगी करते हुए जो वीडियो आया है वो बहुत ही दर्दनाक है, अमानवीय है और आक्रांताओं के व्यवहार को दिखाता है। 140 दरिंदे किस प्रकार से उस बालिका के साथ अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। कई माता बहनों के ऐसे वीडियो आए हैं। एक राहत शिविर का भी वीडियो आया है जिसमें बमबारी करते हैं कट्टरपंथी और कई लोगों को मार डालते हैं। एक शिक्षक का वीडियो आया है जो विद्या देता था, समाज में रोशनी देता था, पढ़ाता था, उसको भी खत्म कर दिया है। एक क्रिकेटर की बात आई है, उसके घर को जलाता हुआ देखा गया है, वो घर खत्म हो गया। वो हिंदू समाज से था और आपने देखा होगा कि वो सब कुछ दे रहा था लेकिन हानि पहुंचाई और उसका घर खाक कर दिया गया। ये सारी जो परिस्थितियां बनी है ये अमानवीय है, कट्टरपंथी जो विचार है उसको लेकर है। ऐसा कोई गवर्नेंस में किसी समाज में होना पूरी खबर होती है। बहुत संवेदनशील विषय है जिस पर बात करना भी अपने आप में बहुत संभल कर करना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बांसवाड़ा में एक स्थानीय नेता ने, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, उसने ये कहा है कि वागड़ को और मेवाड़ को बांग्लादेश बना देगा। उसको शर्म आनी चाहिए, वो समझना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास का जब दौर चल रहा है और सब जोड़ने वाले लोग हैं, उसमें इस प्रकार की संवेदनशील विषय पर टिप्पणी कैसे करेगी। दूसरा, ये वही इको सिस्टम है जो अपने आप को कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, आप हिंदुओं के विरोध में है क्या? और सलमान खुर्शीद ने जिस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया है कि देश को बांग्लादेश बना देंगे, ये क्या है, आखिर ये क्या विचार है? ये उन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं जो कट्टरपंथी हैं, उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। ये असहनीय स्थिति है मित्रों। हम मेवाड़ से हैं, वागड़ से हैं, राजस्थान से हैं, हम लोग उस परंपरा से आते हैं जिसमें आक्रांतों को विरोध किया है, हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा है, सब लोगों ने मिलकर लड़ा है, 36 कौम ने मिलकर लड़ा है। कि भाजपा इस इलाके के अंदर जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना के आपस में लड़ाने का काम कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और सोशल मीडिया पे हमने जो वायरल किया इसके बाद अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ये आवाज मन्नालाल रावत जो सांसद है यहाँ की उनकी है। हर व्यक्ति कह रहा है, हमने भी उनकी लैंग्वेज जो सुनी है देसी, तो सबका ये कहना है सोशल मीडिया पे कहीं पर भी कि ये आवाज मन्नालाल रावत जो सांसद है उनकी है। एक सांसद होते हुए अगर ये आवाज उनकी है तो एक सांसद होते हुए इस तरह की घटिया सोच रखने वाला व्यक्ति आतंकवादी से भी घातक व्यक्ति है। तो हम प्रशासन से अनुरोध किया गया है, आजी साहब से मुलाकात की है कि इसमें मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि जो व्यक्ति आदिवासियों का समाज का सर्टिफिकेट लगा के सांसद बना है और वही आदिवासियों का घर उजाड़ने का, घर जलाने की बात कर रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है। पिछले हम महीने भर से देख रहे हैं भाजपा के नेता जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रम करके यहाँ पर डिलिस्टिंग को लेके, धर्म को लेके, हमारे पे अनर्गल बयान को लेके जो माहौल बना रहे हैं, सच्चाई है कि उनके पास कोई सहारा नहीं है। वो विकास की बात को लेके आए थे, धर्म के बात पे आके अटक गए हैं। वर्तमान में आदिवासी इलाके के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार की बात नहीं कर रही है डबल इंजन की सरकार। यहाँ पर स्कूलों की हालत खराब है, टीचर नहीं है, टीचर है तो कमरे नहीं है, कमरे है तो टीचर नहीं, ये स्थिति बनी हुई है। आज बाबूलाल जी खराड़ी टीएडी मंत्री है, आदिवासियों के कल्याण के लिए बना हुआ डिपार्टमेंट है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा उनको कोई नहीं पता। उनको धर्म और राजनीतिक पार्टी का जो चश्मा लगाया वो चश्मा उतर नहीं रहा है। उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक रूम के अंदर, कल की न्यूज है शायद भास्कर की, एक रूम के अंदर पहली क्लास से लगा के 12वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी में प्रिंसिपल बैठ रहा है, उसी में टीचर बैठ रहा है, और एक पहली क्लास से लगा के 12वीं तक के, और ये एक जगह नहीं पूरे इलाके के अंदर टीएडी डिपार्टमेंट के छात्रावास संचालित है, वहां पर आदिवासियों का भविष्य तैयार हो रहा है, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब से ये सरकार बनी है वो छात्रावास भ्रष्टाचार के हड्डे बन गए हैं। आदिवासी गरीब बच्चों को छात्रावास में पढ़ाने की सुविधा गवर्नमेंट का नॉर्म से है, लेकिन जब से ये सरकार बाबूलाल जी टीएडी मंत्री बने हैं हॉस्टलों की अव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है, एक ठेके पे चला रहे हैं, जो पोषाहार वितरण हो रहा है, ऐसी अनेक बातें हैं। भाजपा के लोगों को हमने कहा है,
आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। हमें शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है और संवैधानिक जो प्रावधान है उसको धरातल पर लागू कराने की जरूरत है। लेकिन ये लोग जब से सत्ता में आए हैं और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा को लेके, संवैधानिक अधिकार को लेके, चिकित्सा को लेके बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ धर्म को लेके बात कर रहे हैं। धर्म के आधार पे सारे मुद्दों को खत्म करने दबाने का जो अभियान चला रही भाजपा, अब युवा समझदार हो गया इस इलाके का, अब धर्म के नशे में नहीं आने वाला है। इसलिए आज ये सांकेतिक धरना था, सांकेतिक कार्यक्रम था हमारा कि जो आतंकवादी कौन है, जो आतंकवादी आशी आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहा है उसको गिरफ्तार करे। अगर नहीं करते हैं, 10 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है, 10 दिन बाद पूरा उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग के सड़कों पर आदिवासी समुदाय आएगा और न्याय की बात करेगा और उस आतंकवादी को गिरफ्तार करने की।